हेलो एवरीवन, आज हम मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कॉलोनियल आर्किटेक्चर का भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, हमने अभी तक बुद्धिज़्म, जैन, हिंदूज़, ये सारे आर्किटेक्चर जो हमारे पुराने सेंचुरीज़ में, कल्चर्स में, किन किन रूलर्स के अंडर हुए हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम मॉडर्न आर्किटेक्चर 18th सेंचुरी के बाद का हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे इंडिया का। ठीक है, तो इसमें एम ऑफ बिल्डिंग जो था वो ग्लोरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे ब्रिटिश आए, आपको पता होगा, तो तब उनका जो मेन मोटिव था, मेन एम था कि रूल करना था उन्होंने इंडिया के ऊपर। ठीक है, उनका ये मोटिव नहीं था कि हमने यहाँ आके स्टेबल होना है, सिर्फ रूल करना है। और वो रहते अपना सारा जो भी यहाँ से पैसा कमा के जाते थे वो अपना यूरोप में जाके लगा देते थे, ठीक है, इंग्लैंड में। और उसके बाद इन्होंने फिर लेकिन अब आप सोचिए, उन्होंने यहाँ पे अब एम्पायर पर रूल करना है, इंडियन एम्पायर पर, तो उनको यहाँ पे रहना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए उन्होंने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी। अब रहने के लिए लोग आएंगे बाहर से रूल करने के लिए इंडिया के ऊपर, तो उसके लिए वो रहेंगे कहाँ पे, अपनी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी। आर्किटेक्चर वो अपना लेके आए, किस किस स्टाइल का इन्होंने बनाना है उसकी प्लानिंग पूरी उन्होंने की। ठीक है, उसके बाद कॉलोनियल आर्किटेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट 150 to 200 ईयर्स तक जैसे उन्होंने राज किया इंडिया के ऊपर। लेकिन 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ के बाद का गोल्डन पीरियड देखा जाता है कि आर्किटेक्चर जो है वो डिवेलप हुआ। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉरेन एंड इंडिजीनियस वैल्यूज़ दोनों का मिक्सचर देखा जाता है इनके आर्किटेक्चर में। ठीक है, और उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कॉलोनियल आर्किटेक्चर की। तो ब्रिटिशर जो हैं वो मुगल्स से अपना सक्सेसर मानते थे कि मुगल्स के बाद वो आए हैं तो वो मुगल्स के सक्सेसर्स हैं। और आर्किटेक्चर स्टाइल को क्या कहते थे, एज अ सिंबल ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद एम क्या था कॉलोनियल आर्किटेक्चर का, कि बिल्डिंग्स बनाना, जो मतलब कि हाउसेस बनाने उन लोगों के लिए, और फिर उन इंडियन एम्पायर पर कंट्रोल करना, उनके ऊपर रूल लागू करना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिविल लाइंस वगैरह, कैंटोनमेंट्स, ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए ये भी इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। ठीक है, जो आज तक भी चल रही हैं, आपने देखा होगा कैंटोनमेंट एरिया होते हैं कई, है ना, हर जगह पर जहाँ पर मिलिट्री कैंप्स होते हैं वहाँ पर ये कैंटोनमेंट्स एरिया होते हैं। ये उनके कॉलोनियल आर्किटेक्चर में ही ये बनाने शुरू किए थे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मुगल्स के टाइम पर मार्बल का बहुत यूज़ किया गया था, जैसे ताजमहल लगा लीजिए आप, है ना, और भी इन्होंने अपने आर्किटेक्चर में यूज़ किया था। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पर जो मार्बल था वो रेयरली यूज़ किया गया था, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ किया गया था वो ब्रिक्स यूज़ की गई थी, स्लेट, मशीन मेड टाइल्स वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टील गिडर्स एंड और क्या था, गल्वनाइज्ड आयरन, जो कि एंग्लो इंडियन रूफ में रेवोल्यूशन लेके आया। ठीक है, डिफरेंट कॉलोनियल आर्किटेक्चर स्टाइल्स में हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देखेंगे। तो पहली बात करते हैं नियो क्लासिकल स्टाइल की, जो कि 19th सेंचुरी के मतलब एंड के टाइम पे आया, लगा लीजिए आप 1850 से 1900 के बीच में। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में ये आया नियो क्लासिकल स्टाइल, जो कि इमिटेशन था ऑफ ग्रीको रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अच्छा, ये ग्रीको रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये जो था ना, ये ग्रीस और रोम में फेमस था, और वही ये जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में लाना चाहते थे, उसे रिवाइवल करना चाहते थे, रिक्रिएशन करना चाहते थे, रीअडेप्टेशन करना चाहते थे बिल्डिंग्स का। मीन्स जैसी बिल्डिंग ग्रीस और रोम में थी ना, वैसी बिल्डिंग्स ही ये यहाँ पर बनानी शुरू कर दी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने। मेडिटेरेनियन ओरिजन में जैसे जैसे मतलब आर्किटेक्चर था, वो सोचते थे कि वो वाला जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के लिए सूटेबल है, बिकॉज इंडियन इज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया रीजन में आता है ना। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है ना उसमें से। अच्छा, और इट वॉज करेक्टराइज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स फ्रंटेड विद द लॉफ्टी पिलर्स। अब ये क्या बताया गया है कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे बिल्डिंग्स के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है कि टाउन हॉल इन बॉम्बे, ये याद रखना है आपने। तो ये किसका एग्जाम्पल है, टाउन हॉल इन बॉम्बे नियो क्लासिकल स्टाइल का। सेकंड पढ़ेंगे हम नियो गोथिक स्टाइल। हाँ जी,
तो नियो गॉथिक स्टाइल में हम देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स वगैरह चर्चेज बनाई गई और जैसे नॉर्दर्न यूरोप में बनाई जाती थी वैसे ही यहाँ पर भी बनानी इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, हाई पिच रूफ बनाते थे ये, पॉइंटेड आर्क्स बनाते थे और इनकी बिल्डिंग्स ऐसी होती थी जो जैसे स्काई को टच करे, मीन्स बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी। और डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इनका होता था, अभी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको क्लियर होगा कि कितना अच्छा डेकोरेशन ये करते थे। ठीक है, और जो इनका ये वाला नियो गोथिक वाला स्टाइल था ना, ये बॉम्बे में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्रेटरिएट यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड हाई कोर्ट वर ऑल बिल्ट इन दिस स्टाइल, नियो गोथिक स्टाइल में ही ये बनाए गए। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने ब्रिटिशर्स को मतलब मनी भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना यूरोपियन जो आर्किटेक्चर है वो बॉम्बे में लेके आएंगे और हमारे बॉम्बे को भी एक मॉडर्न सिटी बना देंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और नियो गोथिक स्टाइल में एक और एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेगा जो कि रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई। इनकी पिक्चर देखिए आप इसकी, ये देखिए ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में। ठीक है, ये नियो गोथिक स्टाइल का है। उसके बाद आता है इंडो सैसेनिक रिवाइवल स्टाइल। अब इंडो का मतलब तो इंडियन हो गया, सैसेनिक का मतलब मुगल्स, मतलब वैसे इसका असली मतलब अरबी होता है, अरब का मिक्सचर। तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, इंडो सैसेनिक रिवाइवल स्टाइल, मतलब मुस्लिम्स का और इंडियन का मिक्सचर भी अब ब्रिटिशर्स ने अपने आर्किटेक्चर में मिक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इंडियन, यूरोपियन और मुगल का तीनों का मिक्सचर जो है वो इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया अर्ली 20th century में। ठीक है, उसके बाद नियो क्लासिकल स्टाइल्स जो थे वो फेवर करते थे विक्टोरियन ब्रिटेन को। जैसे हमने नियो क्लासिकल स्टाइल ऊपर पढ़ा था ना, जिसका एग्जांपल था टाउन हॉल इन बॉम्बे, तो उसकी ये बात कर रहे हैं कि इंडो सैसानिक रिवाइवल आर्किटेक्चर ड्रू एलिमेंट्स फ्रॉम द नेटिव इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड कम्बाइन विद द नियो क्लासिकल स्टाइल्स। मतलब ये इंडो सैसानिक रिवाइवल जो है नियो क्लासिकल स्टाइल के साथ मिलकर, मतलब मिक्सचर इनका बना कर फिर बिल्ड करते थे ये। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हमने पहले पढ़ा है कि मेडिवियल बिल्डिंग्स, मेडिवियल आर्किटेक्चर के बारे में हमने एक पूरा लेक्चर बनाया था, पढ़ा था, तो आपको वो जाकर देखना चाहिए। उसमें भी मैंने आपको दिखाया था ये डोम्स, छतरीज, जालीज, आर्क्स, है ना। और जाली वाला तो मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी, आमेर जयपुर में थी वो, है ना, फोर्ट। तो वो वाला आप लेक्चर एक बारी जाके देखिए तो आपको क्लियर होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चेपॉक पैलेस जो कि चेन्नई में है, तब मद्रास बोला जाता था, ये फर्स्ट इंडो सैसेनिक जो है रिवाइवल बिल्डिंग है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे हमने नियो क्लासिकल स्टाइल का याद रखा टाउन हॉल इन बॉम्बे, और फिर हमने नियो गोथिक का भी याद रखा था जो महाराजा छत्रपति, है ना, टर्मिनस था मुंबई में, है ना। तो अब चेपॉक पैलेस जो है वो चेन्नई में है और ये क्या है, इंडो सैसेनिक रिवाइवल बिल्डिंग। और इसका दूसरा एग्जांपल गेटवे ऑफ इंडिया है, सबको ही पता होगा। और एक और इंडस्ट्रियलिस्ट जामशेद जी टाटा ने बिल्ड करवाया था ताजमहल होटल, जो कि ये भी इसी स्टाइल में बनाया गया है। चेपॉक पैलेस जो कि चेन्नई, तब मद्रास था, तो उसकी पिक्चर ये है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्ट डेको स्टाइल के बारे में, जो कि स्पेशली मुंबई में बनाई जाती थी ऐसी बिल्डिंग्स। ठीक है, इसको डेको सैसेनिक बोला जाता था, सैसेनिक मतलब मुस्लिम्स का ही मिक्सचर। तो अब इन्होंने बात की है कि इसमें भी जो है इस्लामिक एंड हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल्स का यूज़ किया जाता था। इसके बाद इन्होंने बात की है कि फ्लोरिंग, वुड पैनलिंग, रेलिंग और वरांडास, बालकनीज, वेदर शेड्स, ठीक है, इन सब में जो है ये स्टाइल बनाना शुरू किया, मतलब डेको में, डेको के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो अभी मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, इंटीरियर जो इनके बनाए जाते थे वो विक्टोरियन इन्फ्लुएंसेस के थे, ठीक है, और जो एक्सटीरियर बनाए जाते थे वो इंडियन इन्फ्लुएंसेस के थे। ठीक है, जैसे इंडियन की बिल्डिंग्स होती है वैसी थी इनकी एक्सटीरियर्स। ठीक है, आर्ट डेको आर्किटेक्चर जो है वो मुंबई में डेवलप हुआ 1930 में, और इसमें जो है बिल्डिंग्स जो थी वो एंगुलर शेप की बनाई जाती थी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आर्ट डेको स्टाइल के एग्जांपल्स क्या हैं, सिनेमा हॉल्स बनाए गए मिड 20th century में,
जैसे मेट्रो सिनेमा, एरो सिनेमा, ठीक है, और कुछ अदर एग्जांपल्स भी मिलते हैं जैसे महालक्ष्मी टेंपल, रेगल सिनेमा एंड हाई कोर्ट बिल्डिंग इन मुंबई। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर एडविन लिटन एंड सर हर्बर्ट बार्कर। ठीक है, ये दो ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर में अपना योगदान दिया, और ये इन्होंने जो है वो पुअर पर्सन्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे लो कॉस्ट जैसे बिल्डिंग्स होती हैं उनका प्रबंध किया, और बिल्कुल एक तरह से ऐसा था कि जो उनको बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए वो बिल्डिंग्स बनाई गई थी। मीन्स उसमें प्रॉपर लाइटनिंग थी, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन था, उसमें प्रॉपर विंडोज़ बनाई गई थी। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे राइज हुआ एंटी इंपीरियलिस्ट का वेव चढ़ ली इंडिया में, तब ब्रिटिशर्स ने जो है कोलकाता से दिल्ली जो है न्यू कैपिटल शिफ्ट कर दी 1911 में। ठीक है, अब कैपिटल शिफ्ट की है कोलकाता से दिल्ली में। अब दिल्ली में तो पहले नहीं था उनका एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अब आ गया है 1911 के बाद, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग्स तो नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो इन दोनों ने ही, सर एडविन ने और सर हर्बर्ट ने ही जो है वो डिज़ाइंस बनाए दिल्ली के, ठीक है, ऑफिसेज के लिए या फिर दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्डिंग्स थी उसके लिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने किसका फ्यूजन किया, क्लासिकल यूरोपियन एंड इंडियन एलिमेंट्स का इन्होंने मतलब मिक्सचर का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लेविश कॉलोनेट्स, ओपन वरांडास, टॉल स्लेंडर विंडोज़, छज्जाज जैसे ओवर हैंगिंग्स होती हैं रूफ के ऊपर, ठीक है, जाली वर्क भी बनाया, छतरीज वगैरह, ये सभी का इन्होंने डेकोरेटली इन्होंने यूज़ की अपने इंडियन आर्किटेक्चर में। ठीक है, लिटन डिज़ाइन राष्ट्रपति भवन, फॉर्मली द वॉइसराय रेजिडेंट, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में वो पहले वॉइसराय का घर होता था। ठीक है, ये बिल्ड किया गया था सैंडस्टोन से, और जो डिज़ाइन थी वो बनाई गई थी जैसे जाली वर्क राजस्थान से, कैनोपीज वगैरह ये सब जाली वर्क मैंने आपको बताया ना, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, सो यू शुड गो बैक टू आवर प्रीवियस लेक्चर्स एंड यू शुड नो अबाउट दैट। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा उससे। ठीक है, लिटन डिज़ाइन मैनी अदर मोन्यूमेंट्स भी इन्होंने बनाए, जैसे राष्ट्रपति भवन के बारे में तो हमने बात कर ली, इन्होंने बनाया था, तो दिल्ली में और क्या की चीज़ें बनाई, इंडिया गेट बनाया। ठीक है, और उसके बाद और भी इनके काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन थे दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी बनाने में। ठीक है, तो बेकर ने क्या किया, ये तो हमने लिटन की बात की थी ना, अब हम बेकर की बात करते हैं, हर्बर्ट बेकर की, जो कि इंडिया आए और उन्होंने लिटन के साथ काम किया, मतलब मिलके दोनों ने जो है दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी बनाने के लिए काम किया। सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, बंगलोज ऑफ एमपीज जो है इनके अंडर बनी। ठीक है, आर्किटेक्चर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस के बाद कैसे आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी, तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो यही चाहते थे कि इंडिया वाले कि आज भी हमारा जो इंडिया है वो मॉडर्न ही बने, तो उसके लिए इन्होंने यूरोपियन जो कल्चर चल रहा था ना आर्किटेक्चर का वो भी उन्होंने कंटिन्यू रखा, और रीजन रीजन के हिसाब से मतलब कहाँ पे कौन से सूटेबल आर्किटेक्चर लगेगा उस हिसाब से इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल करेक्टर तो था ही इंडियन आर्किटेक्चर में, उसके साथ साथ इन्होंने मॉडर्न फॉर्म को जो यूरोपियंस लेके आए थे उनको भी इन्होंने जारी रखा साथ में। ठीक है, तो बिल्डिंग्स जो थी वो लेस ऑर्नेट थी और मोर यूटिलिटेरियन थी। ठीक है, एक्सप्रेसिव तो थी ही, और बिल्डिंग्स जो थी उसमें कटिंग एज का इस्तेमाल किया गया था, कटिंग एज एक टेक्निक होती है। ठीक है, और उसके बाद यूज़ ऑफ स्टील एंड ग्लास जो है वो भी बिल्डिंग्स में लगाने इन्होंने शुरू किए। ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद इंडिया आर बूमिंग एंड ब्रिंगिंग ए लॉग विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टी डिमांड, जैसे जैसे अब इंडिया की आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से अब इन्होंने बिल्डिंग्स बनानी शुरू की आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, हाई राइज ऑफ बिल्डिंग्स भी फिर काफ़ी बननी लग गई। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में भी पॉपुलेशन जो है माइग्रेट करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर बिल्डिंग्स यहाँ पर भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई अर्बन एरियाज़ में, और इकोलॉजी
फिर क्लाइमेट का भी पूरा ध्यान रखा जाता था, जैसे पार्क्स वगैरह बनाने, ठीक है, क्लाइमेट के सुटेबल बिल्डिंग्स बनानी, ठीक है। और उसके बाद इंडिया इंक्लूडिंग द लूरे बेकर एंड चार्ल्स कोरिया हैव कंसर्न देमसेल्फ विद द बिल्डिंग लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर पुअर हाउसहोल्ड। तो इन दोनों का भी जो योगदान था, लूरे बेकर का एंड चार्ल्स कोरिया का, इन्होंने भी लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो पुअर हाउसहोल्ड्स के लिए बनवाई, ठीक है। सॉरी, मैंने ऊपर एक बात की थी, जो दो एडविन और हर्बर्ट के बारे में मैंने बात की थी, उन्होंने पुअर हाउसहोल्ड के लिए काम नहीं किया था। उन्होंने जो है जब दिल्ली शिफ्ट हुई थी कैपिटल, उसके लिए जो न्यू आर्किटेक्चर बनाना था ना दिल्ली में, उसके लिए काम किया था। सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पे आपको याद रखना है लूरे बेकर एंड चार्ल्स कोरिया ने जो है लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर पुअर हाउसहोल्ड्स के लिए काम किया था, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसकी बात कर लेते हैं। ले कॉर्बुशियर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक स्विट्जरलैंड के थे, फ्रेंच आर्किटेक्ट थे ले कॉर्बुशियर। लार्जेस्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट वॉज द डिज़ाइन ऑफ चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ है, जो कि हरियाणा एंड पंजाब की कैपिटल भी है चंडीगढ़। तो उसका डिज़ाइन जो है ले कॉर्बुशियर ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। अर्ली प्लान सिटीज़ में से था, ठीक है, मास्टर प्लान था चंडीगढ़, जो है इनके द्वारा ही प्रिपेयर किया गया था। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी है, अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी उसकी। और इसको 2016 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया गया है। और ले कॉर्बुशियर डिज़ाइन जो है उसको क्या, किस चीज़ से ये बना होता था, रो कंक्रीट से बना होता था, जिसकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होती थी, ठीक है, और मार्क्स होते थे उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये वर्क अच्छा चलने लगा, तो मॉडर्न मूवमेंट इन इंडियन आर्किटेक्चर का जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो गई। पोस्ट 1947 में जब ये प्लान बनाया गया इन्होंने ले कॉर्बुशियर के द्वारा, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ही जो है वो इनिशिएटिव लिया था कि हमें एक प्लान सिटी बनाना है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर वर्किंग इन इंडिया जो है वो इंस्पिरेशन थी इन ईयर्स फॉलोइंग द ले कॉर्बुशियर वर्क एंड दस बिगिन अ मोर रैपिड एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर। इसके बाद और भी मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो बनना शुरू हो गया ले कॉर्बुशियर के ये वेल प्लान, जो कि मास्टर प्लान था चंडीगढ़ को बनाने के बाद, जो है और भी अच्छा बनना शुरू हो गया मॉडर्न जो है आर्किटेक्चर, ठीक है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ की ये पिक्चर है, जिसे 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको एक और बताना है, जब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था ना, इसके साथ एक और को मिला था, आपको उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। और ठीक है, वो नेशनल पार्क भी है एक, आपको याद आ रहा होगा, सिक्किम में है, मैंने इतना भी बता दिया आपको, तो आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। अच्छा, बीवी दोषी, वेरी फेमस नेम, ये एक साउथ एशियन आर्किटेक्चर के इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, ठीक है। इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, और इनके जो इनिशियल वर्क्स थे वो विद थे ले कॉर्बुशियर के साथ, ठीक है। ले कॉर्बुशियर के साथ ही इन्होंने, बीवी दोषी ने अपने जो है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर अहमदाबाद नी गुफा टैगोर हॉल इन अहमदाबाद, इन सब में इनका काम मिलता है। अच्छा, बीवी दोषी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, इनको अभी ना एक अवार्ड मिला था 2018 में, तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा अवार्ड था। और वो जो अवार्ड था ना, वो एक लिविंग आर्किटेक्ट को मिलता है, ठीक है, तो आपको उसका नाम बताना है। अगर आपने उसका नाम बताया तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिससे आपकी जो करंट अफेयर्स भी हैं वो तैयार होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स कोरिया के बारे में बात करते हैं, ये सिकंदराबाद के थे और इंडियन आर्किटेक्ट थे। अच्छा, एक बात देखिए, जो बीवी दोषी के बारे में हमने बात किया, उनको अवार्ड मिला था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ल्स कोरिया वगैरह ये सब जो हैं ये अब नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए इनको ये नहीं मिला, क्योंकि जो वो वाला अवार्ड है वो सिर्फ लिविंग आर्किटेक्ट को मिलता है, इसीलिए वो बीवी दोषी को मिला है, ठीक है। अच्छा,
तो कौरिया जो थे वो एक बहुत कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्किटेक्चर के एक इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं, और इन्होंने भी जो है वो अर्बन प्लानिंग की, अर्बन पुअर्स के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स बनाए, वही वर्नेकुलर ट्रेडिशन एंड मॉडर्न अप्रोच के साथ उन्होंने फ्यूजन के साथ जो है वो बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। और इनका जो फेमस वर्क था इंडिया में वो महात्मा गांधी मेमोरियल इन अहमदाबाद एंड जवाहर कला केंद्र जयपुर में और प्लानिंग ऑफ नवी मुंबई इन्होंने ही करवाया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लूरे बेकर के बारे में, जो कि एक ब्रिटिश बॉर्न इंडियन आर्किटेक्ट हैं, लेकिन 1989 में इन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी, इंडिया के ये सिटीजन बन गए थे, और ये भी इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी के वर्क एंड लाइफ से, और इनको जो है बोला भी जाता था कि गांधी ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। इन्होंने क्यों इनको ऐसा बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने भी लो इनकम ग्रुप्स के लिए, उन लोगों के लिए जो मतलब कि जिसकी ज़्यादा सैलरी नहीं है, उनके लिए लो कॉस्ट जो है बिल्डिंग्स बनाई, और ऐसी बिल्डिंग नहीं थी कि मतलब डार्क हाउसेज ऐसे वगैरह नहीं थी, लाइट और लाइट उसमें प्रॉपर आती थी, वेंटिलेशन का पूरा वर्क था, और स्पेस वगैरह भी बहुत मैक्सिमम था और लो कॉस्ट था इन सब के साथ, ठीक है। ही प्रमोटेड द रिवाइवल ऑफ द रीजनल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस एंड द यूज़ ऑफ द लोकल मटेरियल, मतलब कि जहाँ पे जैसी बिल्डिंग्स रीजन के हिसाब से बनती थी उन्होंने वैसे ही बनानी शुरू की, लोकल मटेरियल का यूज़ किया उसमें, ठीक है। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर के भी ये मतलब पायोनियर माने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हैज़ प्रोड्यूस मैनी आर्किटेक्चर मार्वल्स विच आर admired the world over. In comparison to traditional architecture, modern Indian architecture is the new phenomena and it has been consistently evolving not only to produce architecture marvels like the Lotus Temple, planned cities, etc., but also to tackle the contemporary needs and challenges of our society like low-cost housing, energy-efficient and climate-responsive architecture. तो ये मैंने रीड कर लिया है, तो इसमें यही बताया गया है समरी के टाइप में कि इन्होंने जो भी अपना वर्क किया वो ट्रेडिशन आर्किटेक्चर के साथ का फ्यूजन था, जैसे लोटस टेम्पल और प्लान सिटीज़ इनका एग्जांपल है, और इसमें ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लो कॉस्ट हाउसिंग बनाते थे और इकोलॉजी और क्लाइमेट वगैरह का भी ये पूरा ध्यान रखते थे, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पेंटिंग्स एंड पॉटरी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सारे आर्किटेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जैन बुद्धिज़्म, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखी प्रीवियस वीडियोस तो आप देख सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।